गाइज, आज बहुत दिन बाद अप्रॉक्स आज तारीख है 19 मई, और 1 महीना पहले मैं वीडियो बनाया था। 20 में कहाँ था, तो समझ सकते हो, कोविड वगैरह और पूरा ही बैंड बजा रखा था। सो गाइज, आज मैं एक चीज़ आपके लिए लाया हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हो ये बॉक्स बॉक्स और हेलमेट, समझ में आ गया। तो गाइज, हमेशा आप कह रहे थे कि ये जो एंगल है आपको पसंद नहीं आ रहा, मीन्स ज़्यादा वाइड नहीं है और ज़्यादा फुटेज अच्छा कैप्चर नहीं कर पाता। तो गाइज, आज हमारे पास ये कैमरा आ चुका है और आज से आपको मोटो ब्लॉग भी देखने को मिलेगा। सो वेलकम बैक टू दी चैनल केएसएन125। तो सबसे पहले इन सब जो चीज़ें हैं सभी का अनबॉक्सिंग करते हैं और फिर देखते हैं कैसे माउंट वगैरह करते हैं। सभी प्रोसेस मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो एक ट्यूटोरियल वीडियो रहने वाला है। सो चलिए देखते हैं कैसे फिटिंग करना है। बाल यार काफ़ी बड़े हो रखे हैं यार, कभी कटवाने का मौका मिले तो कटवा लेंगे, बट कोविड का टाइम है, क्या करें। चलो तो टॉपिक पे आते हैं। ये जो आप कैमरा देख रहे हो, ये आप कैमरा ले भी लेते हो ना, उसके बाद ही बहुत सारे चोचले हैं, बताता हूँ कैसे। सबसे पहले कैमरा के लिए एक टेम्पर ग्लास आपको लेना पड़ेगा, जो अप्रॉक्स 300, 400, 500 आपको प्राइस करेगा। उसके बाद ये एसडी कार्ड, मतलब नॉर्मल एसडी कार्ड इसमें नहीं चलने वाले हैं। करीब हम जो मेमोरी कार्ड यूज़ करते हैं, अप्रॉक्स 40 to 60 Mbps/s का उसका स्पीड होता है, बट यहाँ पे आप देख सकते हो इसका स्पीड 160 Mbps इसका पर सेकंड का स्पीड है। क्या यार, मतलब 1200 से 1500 आपको 64 GB के लिए सिर्फ आपको खर्चने हो गए। तो पहले आप, मैं आपको हमेशा प्रेफर करूंगा कि छोटा कार्ड ही खरीदो, उसके बाद देख लो, यूज टू हो जाओ, उसके बाद फिर बड़ा कार्ड खरीद लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अप्रॉक्स आपको करीब 1.5 से 2 घंटे का आपको टाइम दे देगा रिकॉर्डिंग करते टाइम। मैं ऊपर एक फोटो डाल दे रहा हूँ एक्शन कैमरा के ऊपर का, तो आपको रीडिंग के टाइम पे आपको पता चल जाएगा कि ये कैमरा कितना रिकॉर्डिंग करता है 64 GB में। चलो इसका हो गया। ये एक माइक, एक्चुअली मैंने यूट्यूबर स्टार्ट करा था उस टाइम से माइक मैं यूज़ कर रहा हूँ, समझ ही गए होगे, बोया का माइक, बोया M1। तो इस माइक से मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, अप्रॉक्स 100 वीडियो मैंने इस बोया माइक से बनाए हैं, और आज भी ये वर्किंग में, मीन्स इसका बैटरी अभी तक नहीं गया है। एक्चुअली मैं कैमरा में यूज़ नहीं करता तो बैटरी ड्रेन होने का चांस ही नहीं है, बट अभी भी स्टिल वर्किंग में है। तो ये माइक आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद ये माइक एडेप्टर, ये TRRS कुछ ऐसे करके माइक अडेप्टर को बोलते हैं। मैं लिंक सभी चीजों का डिस्क्रिप्शन में दिया रहूंगा, डायरेक्टली आप जाके परचेज कर सकते हो। मनाओ का कुछ माइक अडेप्टर है, तो अभी माइक इसी का बहुत ज्यादा चल रहा है, हेलमेट में भी उसका माइक यूज कर सकते हो, बट ये माइक अडेप्टर है, TRRS माइक अडेप्टर। और ये इसे तो पहचान ही रहे होगे जब आपको DJI Osmo एक्शन कैमरा खरीदना होगा, तो अच्छा से देख लो। तो ये है सिनोवा का 3.5 mm जैक का माइक एडेप्टर, मीन्स ये तो माइक एडेप्टर चाहिए ही चाहिए, उसके बाद आपको ये भी माइक एडेप्टर चाहिए। देख रहे हो, थोड़ा कचरा फैला कर इसी बॉक्स में दे दिए होते DJI तो क्या गया होता, कोई नहीं। चलो तो बॉक्स में सबसे पहले खोलते हैं, तो मैं ओपन कर ले रहा हूँ। तो ये बॉक्स है और यहाँ पे कैमरा है और यहाँ पे वीडियो बनाई जा रही है। तो ये आप कैमरा देख सकते हो, जो बहुत गंदा था पता है। तो ये कैमरा आप देख सकते हो ऐसे, ठीक है, साइड में रखते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक कंपार्टमेंट मिल जाता है ये बॉक्स, और उसके अलावा भाई साहब ने कुछ नहीं दिया। चलो कोई नहीं, बॉक्स को ओपन करते हैं तो हमें मिलता है कुछ ये सब चीजें जो शायद तक आपके मोटो ब्लॉगिंग में काम नहीं आने वाले। सही पकड़ा है आपने, काम नहीं आने वाले। एक जो चीज है ये कर्व माउंट, ठीक है, हेलमेट का आगे का जो पोजीशन होता है ना, ये पोजीशन देख लो, इतना भी कर्व नहीं होता, मीन्स ये कर्व इन्होंने तो दिया तो है बट थोड़ा सा कर्व और चाहिए था तब जाके ये हर हेलमेट फिक्स हो पाता। लिटरली आ गया किसी पे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, कर लेना आप, मैनेज कर लोगे, जुगाड़ कर ही लोगे। ये माउंट एक और है, वो सर्किल, मतलब सर्किल टाइप सा माउंट है, ये देख रहे हो, और उसके साथ आपको ये अटैचमेंट मिलता है, देख रहे हो ये अटैचमेंट, इस
कहता है क्विक रिलीज भाई, ये इससे क्या इतना राता फैलाने की क्या जरूरत है, स्लाइड करने वाला दे देते हैं सभी के साथ चल जाता है। उसके बाद आपको मिलता है ये बैटरी पैक बॉक्स के साथ मिलता है, चलो बहुत अच्छा है। इस बॉक्स में आपको इस तरीके का कुछ बैटरी पैक देखने को मिलता है, ये बैटरी आप देख सकते हो इस तरीके का है, खाली है। यहाँ पे आपको स्लॉट मिल जाता है कार्ड रखने का, ये मिल जाता है एक स्क्रू, इतना छोटा सा स्क्रू। ठीक है, बताता हूँ कैसे क्या क्या करना है। ये आपको मिल जाता है एक डाटा केबल, ठीक है बता रहा हूँ पूरा काम करो। सबसे पहले ये कैमरा ले लेते हैं, कैमरा को यूं ऐसे करके ये यहाँ पे देख लो, भाई साहब ने यहाँ पे ऐसे पुश करने का दिया है, कुछ ऐसे करके खोल लेना। ये खुल गया भाई साहब, केस खुल गया। नीचे से इस लेंस से आप इसको पुश करो ऊपर की ओर, ये भाई साहब ऊपर आ जाएंगे। अरे आ भी जा, नहीं आएगा क्या? वाह ब्रो, पहले स्टिकर निकल गया, मौका ही नहीं दिया भाई साहब ने स्टिकर निकालने का। चलो कोई नहीं, एक और बचा हुआ है। तो ये है क्या गिरा, चलो देख लेंगे। एक पीछे की पन्नी निकल गई, आगे की पन्नी निकल गई, पोछू पोछू कर देते हैं। नया कैमरा है ना, करना पड़ता है। चलो हो गया, कैमरा देख लो ऐसे। भाई साहब ने बैटरी नहीं दे रखी है, बैटरी तो मैंने पहले आपको दिखाया है, ये है बैटरी। ठीक है, इससे नीचे में आप देखोगे ये पिन बना हुआ है, ठीक है ये थ्री पिन्स बने हुए, एक स्प्रिंग है, इसको इस तरीके से रखना है। ठीक है, ऐसे करके इसमें ऐसे करके क्लिक करके साउंड आएगा, सुनो। ठीक है, और यहाँ पे एक रेड कलर का ये आ रहा है, वो अभी खुला नहीं है, बस खुला हुआ ही है, देखो समझे। रेड कलर का ये डोनेट मतलब कि ये चीज़ शो करता है कि आपका बैटरी अभी लगा नहीं है, तो इसको कस के प्रेस करना है, कस के जोड़ लगा के बैटरी नहीं तोड़ देना। फिर इधर का देखो एक यहाँ पे भी है, इसको भी जोर से पुश करना है। तो भाई साहब ये भी लग गए, दोनों लॉक अच्छे से लग गए, इसे वाटर प्रूफिंग हो गया। आप इसे 10 मीटर तक पानी में ले जा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ मैंने बताया नहीं, ये स्लाइडर यहाँ पे देखने को मिलता है। मैं पूरा ट्यूटोरियल वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ठीक है एक रफ वीडियो बना रहा हूँ। ट्यूटोरियल वीडियो देखना हो ना तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो डले हुए हैं, ठीक है जाकर देख लेना। मैं जो रियल चीज़ है वही आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, मीन्स जो फैक्ट चीज़ जो कि आप उसे हर मतलब कैमरा लेने के बाद फेस करोगे, ये चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यहाँ पे डोर दिया गया, इस डोर को आप उखाड़ के डोरीमोन वाले जो डोर देखा था ना, उठा के लेके जाओ कहीं, अरे खुल के नहीं था, उठा के कहीं और लेके चल जाओ और सिम सिम गिली गिली करके वहां निकल जाओ, अरे खुल जा, टूटेगा क्या मेरे से। चलो निकल गया, देखो इस तरीके से डोर निकल जाता है। ठीक है, ये देख सकते हो डोर निकल गया। उसके बाद यहाँ पे आपको पोर्ट मिलता है, एक टाइप सी का पोर्ट मिलता है, एक नीचे कार्ड लगाने का पोर्ट मिलता है। भाई साहब गर्मी कितनी है यार। तो लेते हैं अपने सैंडिक्स वाले कार्ड को और खोले कैसे इसे। यहाँ पे आप देखोगे, एक मिनट, चलो नहीं दिख रहा, फोटो मैं डाल दूंगा देख लेना। यहाँ पे कार्ड कैसे लगाना बताया रखा है, तो चलो लगा लेते हैं। नाखून होगा बड़ा तब लगाना, नहीं तो अपनी गर्लफ्रेंड से जाके लगा लेना। देखो लग गया, ठीक है लगने के बाद क्या करना है, क्या करना, ओपन करना है, चालू करना है इसे। तो यहाँ पे इन्होंने एक बटन दे रखा है डिस्प्ले और रिकॉर्डिंग का, ठीक है। यहाँ पे QS कुछ करके इसमें बहुत सारे मोड्स मिल जाते हैं, तो इसे सबसे पहले ऑन कर लेता हूँ, सॉरी ऑन तो इधर से होगा, देख लो मुझे इस कैमरा के, देख रहे हो यहाँ पे भी मैं वहाँ पे मैं मस्त लग रहा हूँ ना, बताना किस वाले में अच्छा लग रहा हूँ देख के। फिर जब कैमरा को आप इधर से करते हो तो
गाना क्या कह रही, याद रखो ग्रह मस्त वाला गम। सो ऐसा कुछ दिखता है एक कैमरा है क्या? देने वाला नहीं हूँ। तो इतने सारे कचड़े, सॉरी कचड़ा नहीं बोलने का, इसके जो बावजूद भी इतने सारे चीज़ों को लेने में ना बहुत पैसे लगे हैं, बहुत पैसे। प्राइस मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जाके बाय कर लेना और ये सब चीज़ करके खरीदना, बट सबसे पहले कैमरा खरीद। खरीदना, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और एक हेलमेट तो लेना ही लेना, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको इसे इसे माउंट कैसे करते हैं, तो चलो उस वाले के पास, ओ इसे साइड में रखते हैं। उसके बाद आपको जरूरत पड़ने वाला है एक हेलमेट, ये हेलमेट आपको लेना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि आप ये हेलमेट लो, इससे अच्छा भी ले लो, बट कस्टेज में बता रहा हूँ अंडर बजट में ये हेलमेट आपको बहुत अच्छा प्रोटेक्शन देने वाला है, बहुत अच्छा कंफर्ट भी देने वाला है। अप्रॉक्स मैं 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ, बट ये हेलमेट का कंडीशन आप देखिए, वाइजर मेरा थोड़ा सा स्क्रैच हो रखा है, क्योंकि भाई लोग के पास लॉकडाउन नहीं हो रखा होगा तो इसे भेज देना, मेरा तो लॉकडाउन खरीद ही नहीं सकते, क्या कर सकते हैं। तो आपको ये वाला ब्लू आर्मर का ये जो माउंट आप देख रहे हो, ये माउंट आपको खरीदना होगा, ठीक है। तो ये माउंट आप एक खरीद लेना, उसके बाद मैं बताता हूँ कैसे इसे माउंट करना है, ठीक है। और हाँ एक चीज़ तो मैंने बताया ही नहीं, 1 मिनट, ये जे माउंट इसके साथ नहीं मिलने वाला, मोटो ब्लॉगिंग करोगे तो जे माउंट भी खरीद लेना, इस तरीके का है, फोटो दे रहा हूँ, लिंक भी दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, जाके बाय कर लेना। और हाँ ये टेम्पर ग्लास का तो मैंने बताया ही नहीं, टेम्पर ग्लास का वीडियो नीचे फ्लैश हो रहा होगा, देख लेना अच्छा से, ठीक है। क्या बताऊँ यार, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा ना, देखोगे नहीं, बोर बोर कर। कैमरा के साथ ये केस मिलता है, ठीक है। ये केस में आपको इस तरीके से इसे प्लेस करना है, करोगे फिर तो ये देख रहे हो, ये रिकॉर्डिंग बटन और सेम इधर भी रिकॉर्डिंग बटन, यहाँ पे डिस्प्ले ऑन, सेम डिस्प्ले ऑन, इसी तरीके से इसे ऐसे करके केस के अंदर रख लेना है, ऐसे करके इसे पट से हेडशॉट दे देना है, ठीक है, लग गया। और उसके बाद ये जो माउंट आप देख रहे हो, ये माउंट इसको ऐसे रखना है, ठीक है, इस तरीके से लगा लेना है, स्क्रू कर ही लोगे, इतना तो जुगाड़ू होते हैं अपन इंडियन, तो इसे हाँ ये जो चीज़ है ना स्क्रू आपको मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा, इसी के साथ मिल जाएगा, भाई साहब ने दे रखा है, भाई साहब ने दे रखा है, डब्बे में दे रखा है। उसके बाद इसे कट से यहाँ पे लगा लेना है, हेडशॉट मत दे देना, ये देखो लग गया। उसके बाद इस वाले को ओपन करके रखना है, किस लिए बताता हूँ, ये वाला जो माइक अडेप्टर आप देख रहे हो, पिछू से ऐसे खींच लेना बाहर के लिए, ये देखो भैया जी, फिर इसे ऊपर से प्यार से ऐसे खोलना, प्यार से खोलना, भैया जी बुरा मान जाएंगे। और ये देख लो यहाँ पे पहले क्लोजअप, तो अंदर ही बाहर निकल जा, और अंदर कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ प्रेम पत्र हैं कहो तो दिखा दूं, चाइनीज आंटी ने दिया है लिख के, देख लो देख लो। ये आपको माउंट देखने को मिलता है, ठीक है, मीन्स एडेप्टर, सॉरी माउंट नहीं एडेप्टर, इसे कहीं से भी लगा लो, टाइप सी है तो वो जिधर से यूज पड़ेगा उधर से अपन से लगा लेंगे पर से। उसके बाद ये है माइक, माइक कैसे प्लेस करना है मैं बताता हूँ, चलिए पहले आपको हेलमेट उल्टा कर लेना है, उसके बाद देखोगे ये वाला स्ट्रैप, ये वाला स्ट्रैप, ठीक है, लॉक साइड वाला नहीं, इस वाला किधर भी लगा लेना कोई नहीं चलता है। इसको आपको ये जो आगे चेन कटिंग देख रहे हो,
मैंने रबड़ बैंड लगा के रखा है, ये देख रहे हो ना वाइट कलर का, ये रबड़ बैंड लगा के रखा है। इसका लिंक मत मांगना, मैं दूंगा, ढूंढ लेना बस से जाके, कहीं से ही मिल जाएगा। हाँ कैसे है? इसे इस तरीके से पुट कर लेना, अंदर पुट कर ले रहा हूँ। पुट करने के बाद आपको ये दो बार दिखेंगे, एक है माइक वाला और एक है ये एडाप्टर, ठीक है। इस माइक वाले को ये ऐसे खोलना है, माइक वाले को इस वाले जो प्लग है इसे ऐसे खींचना है बाहर के लिए, डेड कैट को भी बाहर निकाल लेना है, ऐसे नंगा पंगा हो जाएगा, ठीक है। देख लो इसे, इस वाले ये साइड वाले चीक कर्टेन को साइड करना है, यहाँ से आप होल देख रहे होगी, दिखा 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 दिखा, यहाँ से देख लो, यहाँ पे से कुछ जगह होता है तो आपको इस तरीके से यहाँ से पास कर लेना है, ठीक है। मैं पास कर ले रहा हूँ, ये आपका यहाँ पे आ गया माइक, आ गया ये भाई साहब माइक, तो सेम एज इट इज जैसा लगा हुआ था आपका माइक उसी तरीके से लगा लेना है। ये जो क्लिप आप देख रहे हो, क्लिप को लगा लेना है, डेड कैट को लगा लेना है, और जल्दी से मैं दिखा देता हूँ, ये जो आप चिमटा देख रहे हो इसे इस वाले स्ट्रैप पे ऐसे कर लेना है, अंदर से करना, ठीक है। भाई ऐसे करके लगा लेना, देखो ये लग गया। उसके बाद आप हेलमेट पहनोगे तो ये है ना माइक, आपका ऐसे दब जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, तो विंड के आने का चांस बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से दब जाएगा ये, तो माइंड मतलब विंड जो आएगा वो बिल्कुल ही दब जाएगा, तो आप इजिली रिकॉर्डिंग कर सकते हो। सिंपली इसे ऐसे घुमाओ, एक दो लपेटा और मुनाओ का ये वाला जो मैंने TRS एडाप्टर बताया था आपको, इस वाले माइक के क्लिप में ऐसे करके पट से कर लेना है, ठीक है। इसे ऐसे लगाना है घुमा के, ठीक है, लगा लेना, लग गया आराम से, हो गया रेडी। मोटर ब्लॉगिंग दिखाता हूँ करके, यहाँ से चालू कर लो, ये चालू हो गया, मैं स्क्रीन फ्लिप कर दे रहा हूँ, हो गया है हमारा ओज़्मो एक्शन कैमरा हेलमेट पे माउंट, या आप देख सकते हो। तो आपको ऊपर का वायर का व्यू लेना होगा तो इस तरीके से रख सकते हो, नीचे का व्यू लेना होगा तो इस तरीके से रख सकते हो। मैं भी फ़िलहाल इस तरीके से रखा हूँ, और अभी आप देख सकते हो, आवाज़ भी सुन सकते हो किस तरह की आवाज़ आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, सॉरी सुनने को मिल रहा है यहाँ पे, और व्यू आप अभी देख सकते हो किस तरीके का देखने को मिल रहा है। सो आप राइडिंग इस टाइप से, तो इस तरीके का आपको व्यू कुछ देखने वाला है। और अभी मैं आपको स्विच करता हूँ, हमारे बग्गू पे स्विच करता हूँ और आपको दिखाता हूँ व्यू कैसे देखने को मिलता है। चलो एंजॉय करो। हेलो गाइस, दिस इज किशन, वेलकम बैक टू द चैनल, कैसे हो गाइस। तो गाइस आज का टॉपिक आने वाला है भगवान के मालिक सिंपल, बट उसके पहले मैं आपको बता दूँगा कि मैं शॉर्ट ट्रिप पर निकल चुका हूँ, और अभी मौसम अभी देख सकते हो सामने का कितना मौसम हो रखा है, और अभी मॉर्निंग तो हो रहा है। सो गाइस आई होप ये एक्शन कैमरा और माउंटिंग वगैरह का वीडियो आपको अच्छा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा के जाए। So thanks for watching this video. I hope you'll see my next video, and do like, share, subscribe to the channel. Till then, wait for next video.